न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी ने बोसाल पुल का शुभारंभ कर दिया है और जिससे क्षेत्र की जनता को आवाजाही करने में सुविधाएं मिलेंगी। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनके लिए पक्के पुल का निर्माण किया जाए, जिसका प्रस्ताव तैयार कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है और जिसका विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने बताया है कि पहले लकड़ी के पुल होने के चलते भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाती थी, लेकिन अब पक्के पुल के निर्माण के बाद आसानी से आवाजाही हो पाएगी। और आज मैं इधर कलचीखाल ब्लॉक के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जो बड़ी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी बोसाल पुल की, ये पूरी हो गई है। और इससे कम से कम जो है 80 और 85 ग्राम सभाएं इससे लाभान्वित होंगी और इसका लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। और अच्छी योजना थी और ये पुल जल्दी बना है, इसके लिए बहुत बहुत जो कार्यदायी संस्था है उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय से इसको पूरा किया। इस पुल की डिमांड बहुत पहले से थी, न जाने कितने वर्षों से, लेकिन जब अपनी सरकार और हमने संज्ञान लिया तो तत्काल इसको पिछले दो वर्ष पूर्व भी इसका शिलान्यास हुआ है और आज इसका उद्घाटन और लोकार्पण किया है। इसमें आवागमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही और भी जगह पुलों का है, अपना बटकोलो पुल का भी बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 67वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है। मंगलोर बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने अपने कार्यालय पर केक काटकर बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन मनाया है और साथ ही मायावती के जन्म उत्सव पर गरीबों को कंबल भी वितरित किए गए हैं। और इस मौके पर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने कहा कि बहन मायावती ने सर्व समाज को जोड़ने का काम किया है और बिना किसी भेदभाव के समाज को एकजुट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी निभाया है। सर्व समाज को एकजुट करने वाली बहन मायावती के जन्मदिन पर उनकी दीर्घायु के प्रार्थना करते हैं और बसपा पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं, जिससे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी और मजबूती के साथ सर्व समाज की अखंडता को मजबूत करती रहे। बहन जी कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन माननीय विधायक सरवत करीम अंसारी जी के द्वारा उनके कार्यालय पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमने कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा है, मिष्ठान वितरण का प्रोग्राम रखा है, खाने का प्रोग्राम है। ये सब बहन जी के 67वें जन्मदिन की खुशी पर हमने प्रोग्राम रखा है और बड़ी भारी भीड़ के साथ बड़ी धूमधाम से बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन मना रहे हैं, बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी बहन जी हजारों साल जो है की उम्र मिले और जी आगे बढ़ें। देखिए बहन जी के जन्मदिन पे जो भी कंबल वितरण या जो भी खाना है तो बहन जी की खुशी की के लिए हम लोग कर रहे हैं कि ताकि जो है बहन जी के जन्मदिन पर जो है लोगों को जो है सब कुछ, अगर कोई सर्दी में है तो उसे कंबल मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए और भाई मिठाई मिलनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। हाई कोर्ट के रूलिंग के अनुसार नदी से कम 30 मीटर की दूरी पर कोई भी निर्माण नहीं कर सकता, पर भू माफिया इतने बेखौफ है कि नदी के बिल्कुल किनारे पर दो कॉलोनी के साथ साथ दर्जन भर दुकानों की नींव भरकर लाखों रुपए के बारे न्यारे करने में लगे हुए हैं। मामला आपको बता दें कि रुड़की हरिद्वार हाईवे के निकट पिरान क्लियर जाने वाले रोड का रतमऊ नदी के किनारे बनाए जाने वाली कॉलोनियों का है, जहां पर भू माफियाओं द्वारा कॉलोनी और दुकानों की प्लांटिंग कर भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर भू माफिया अपनी जेब भारी कर रहे हैं, पर ना तो विकास प्राधिकरण और ना ही तहसील प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है। और इस मामले में विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता का कहना है कि नदी से 30 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता और ऐसे निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अलग अलग जो नदियाँ होती हैं उनके अलग अलग जो है मानक होते हैं, लेकिन हमारे बायलॉज में जो है जल स्रोत से 30 मीटर की दूरी मिनिमम अनिवार्य होनी चाहिए। सर, यदि अगर कोई ऐसे कॉलोनी विकसित करता है या उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है? उसके खिलाफ तो जो है लोगों को पहले तो सचेत रहना चाहिए कि नदी किनारे तो पहले जो घर मत खरीदें। जब लोग घर नहीं खरीदेंगे, अपने आप ही कॉलोनी जो काटे कुछ भी करे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हम जो विधिक कार्रवाई जो 1973 एक्ट हुआ है उसके आधार पर उसका नोटिस इशू करते हैं। सीधी सी बात है, जो कॉलोनी काटी जा रही है उसको आपने नोटिस करा? बिल्कुल, पहले से नोटिस कटे हुए हैं उस क्षेत्र के। अब जो निर्माण अलग चीज़ है और देखो कॉलोनी काटना अलग चीज़ है। निर्माण कर रहा है तो हो सकता है पार्टी कर रही हो सकता है जो कोई परचेजर कर रहा हो, तो उस पर जाँच का विषय है, वो देखना पड़ेगा। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडगुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत का एक फ्लैट सिडगुल में ही मौजूद दीप गंगा अपार्टमेंट में है। शुक्रवार देर रात को ही कैंपस में लोहड़ी मनाई जा रही थी और आरोप है कि इसी दौरान गिरधर रावत भी अपनी सरकारी गाड़ी से कैंपस में जा पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ी कैंपस के एंट्री गेट के बीचों बीच खड़ी कर दी और नशे में धुत सिडगुल के रीजनल मैनेजर को सोसाइटी के पदाधिकारियों और निवासियों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बदसलूकी करने पर लगातार कायम रहे। सिडगुल के रीजनल मैनेजर ने हंगामा किया और इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना तत्काल सिडगुल थाना पुलिस को दी गई। आरोप है कि पद के गुरूर में ही चूर रीजनल मैनेजर पुलिस के आने के बाद भी लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए और इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने रीजनल मैनेजर की सारी करतूत मोबाइल में कैद कर ली और इसी दौरान शराब पीकर हंगामा करने की सूचना लोगों द्वारा उनके परिवार को भी दे दी गई। कुछ इस तरीके से मामला हुआ, एक शख्स ने गेट पर आके, हालांकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक उन्होंने की हुई थी, उन्होंने बताया मेरा नाम गिरधर रावत है और मैं आरम सिडगुल हूँ। अब ऐसा कोई पहचान तो हमारे गार्ड भी नहीं कर पाए और हम भी नहीं कर पाए कि वो आरम सिडगुल हैं और क्यों हैं और क्यों वो यहाँ आए हैं। और उन्होंने आके गेट पर हंगामा शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा अत्यधिक नशे की हालत में थे और आके उन्होंने हर तरीके से गार्ड्स के साथ, सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बदतमीजी स्टार्ट करी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिडगुल का मालिक हूँ, मैं आरम हूँ यहाँ का, मैं यहाँ सिडगुल का मालिक हूँ और यहाँ हर चीज़ मेरे हिसाब से होगी। मैंने गार्ड गेट बंद कर दिया है, बिल्कुल अपनी गाड़ी गेट पर लगा दी दोनों तरफ से करके और गेट पर अवरोध उत्पन्न कर दिया। सोसाइटी के रेजिडेंट जो अपने घर आ रहे थे। और इसी खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, नशे में धुत बताए जा रहे हैं गिरधर रावत और इसके साथ ही बदसलूकी का ये मामला सामने आया है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो वायरल हुआ था और जो ये घटना है ये सिडगुल थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर जो सिडगुल के जो आरम है रीजनल मैनेजर जो है गिरधर रावत, उनका नशे में धुत और अपने जो पद का रोब गालिब करते हुए स्थानीय लोगों पर रोब गालिब करना यहां एक जो समस्या का कारण बना यहाँ पर। और जो सोसाइटी के लोग सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, बताया जा रहा है कि वहीं पर के गिरधर रावत ने अपनी जो गाड़ी है वो गेट पर लगाई और अपने पद का रोब गालिब करते हुए लोगों को धमकाया वहाँ पर। और उनके द्वारा साफ तौर पर जो स्थानीय निवासी है उनके द्वारा कहा गया है कि रीजनल मैनेजर गिरधर रावत है, हालांकि उनको पहचाना नहीं गया था उस टाइम तक, तो उनके द्वारा वहां पर लगातार नशे में धुत कहा जा रहा था कि हम सिडगुल के मालिक हैं, सिडगुल के रीजनल मैनेजर हैं, जिस तरह से भी सिडगुल की व्यवस्थाएं होंगी वो हमारे द्वारा होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो इस बात से आहत है उनकी और तत्काल इसकी जो सूचना है वो स्थानीय सिडगुल पुलिस को दी गई, पुलिस वहां पहुंची और मामले को किसी तरह शांत कराया। जी जी इंतजार रजा, जिस तरह से ये हंगामा पद को लेकर लगातार उच्च अधिकारी करते हुए साफ तौर पर नजर भी आते हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी होती है या फिर ऐसे टाल मटोल कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, वहीं सिडगुल एसओ से बात किए जाने के बाद जैसे पता चला है कि अगर कहीं कोई लिखित तहरीर होती तो इस पर जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो की जाती, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने मामले को वहीं समझा बुझाकर शांत कराया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े पद पर रहते हुए इस तरह के जो अधिकारी अगर इस तरह की हरकतों को अंजाम करेंगे या इस तरह की हरकतें करेंगे तो आम जो जनता है, जो एक उच्च अधिकारी का स्टेटस है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर साफ तौर पर इसी तरह देखा जा रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं सिडगुल के आरा में गिरधर रावत कहीं दारू पीकर नजर आते हैं तो कहीं सोसाइटी में जाकर हंगामा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग भी इसको माना जा सकता है। जी बिल्कुल, इंतजार रजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से खबर सामने आई है हरिद्वार से, जहां पर गिरधर रावत की बदसुलूकी सामने आई है, वहीं पर सोसाइटी के लोगों ने इसकी शिकायत भी करी और जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को सुलझा लिया गया।
उत्तरकाशी के पुरोला प्रखंड के मौरी क्षेत्र में एक दलित युवक आयुष के मंदिर में प्रवेश करने पर उसे रात भर बांधकर जलती हुई लकड़ियों से ही उसकी पिटाई की गई है और इसके साथ ही पिटाई के खिलाफ दलित समाज अब आक्रोशित होकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। हालांकि प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुष के परिजनों के नामजद तहरीर पर आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गौचर में अनुसूचित जाति एकता मंच के तत्वाधान में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार की अध्यक्षता में शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम के सामने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर आयुष को इंसाफ देने की मांग की है। कि जो उत्तरकाशी में जो घटना हुई है वही बड़ी शर्मसार घटना हुई है, बड़ी निंदनीय घटना हुई है। एक अनुसूचित जाति के बालक को मंदिर के प्रांगण में डंडों इत्यादि से पीटा गया, जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान के अंतर्गत प्रत्येक आदमी को अपने मंदिर में पूजा अर्चना करने का पूर्ण अधिकार है और मैं गोचर की अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के इस जिस प्रकार से उत्तरकाशी का जो प्रकरण हुआ है हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आयुष को जो है इंसाफ मिले, न्याय मिले और आयोग से भी ये अपनी ये मांग करते हैं कि आप संज्ञान लें और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और हम तो ये चाहते हैं कि दलित युवक होने के नाते जिस प्रकार से एक मंदिर प्रांगण में भगवान के मंदिर में जाने पे उत्तरकाशी के लोगों ने अपनी क्षुद्ध मानसिकता का इतना हुई है छुआछूत पे मंदिर में जाने से, तो मेरे को तो लगता है इस गांव के जितने लोगों ने इसको पीटा है जलते हुए लकड़ी से, इनको फांसी तक की सजा होनी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं विशेष मुख्यमंत्री से कि इन लोगों को फांसी अनिवार्य हो, कि ऐसे किसी दलित को इस मंदिर में हाथ जोड़ने के बजाय उसको पीटा जा रहा है, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो चमोली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दलित युवक की मंदिर में प्रवेश को लेकर पिटाई की गई थी, जिसके बाद अब दलित समाज के लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ लगातार फांसी देने की मांग भी कर रहे हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार को लेकर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में श्रद्धालु असमंजस में स्थिति में नजर आए हैं और एक ओर जहां हजारों श्रद्धालु मकर संक्रांति को मनाने के लिए गंगा घाटों पर पहुंचे, वहीं हजारों श्रद्धालु 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि मकर संक्रांति मनाते हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने त्रिवेदी घाट पर आस्था की डुबकी लगाई है, मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही आपको बता दें कि दान पुण्य की भी उन्होंने किया है। इस दौरान सेम नागराजा की डोली भी स्नान के लिए त्रिवेदी घाट पर पहुंची और श्रद्धालुओं ने डोली के आगे माथा टेक राज्य की खुशहाली को लेकर प्रार्थना करी है। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के श्रद्धालु तीर्थ नगरी में गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे और इस दौरान अचानक ट्रैफिक का दबाव शहर में बढ़ गया, जिससे हरिद्वार रोड पर जाम लगता हुआ देखा गया। हालांकि चौक चौराहों पर होमगार्ड ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दिखे और वहीं श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर गंगा घाटों पर जल पुलिस मुस्तैद नजर आई। पावन तट पर 14 तारीख 2023 में आज देवराज नागराजा देव की डोली स्नान करने के लिए पहुंची है और आज मकर संक्रांति का पावन पर शांतकाल 8:06 पे लगेगा। कल माँ गंगा के तट पर 15 तारीख को मकर संक्रांति का महान पर्व दान पूजा पिंडदान आदि का कार्यक्रम होगा और आगामी माँ गंगा के तट पर मकर राशि पर सूर्य नारायण का 1 साल के लिए पदार्पण होगा। आज का दिन माँ गंगा के तट पर अति पावन और पुण्यप्रद दिन है, जिसके कारण माँ गंगा के उत्तराखंड के सभी भक्तजन माँ गंगा के स्नान के लिए पधारे। कल ऐसा है कि आज रात्रि को 8:06 पे मकर संक्रांति प्रारंभ होगी और अगले दिन उसका पुण्यकाल 16:12 तक रहेगा, इसलिए 2 दिन का मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जा रहा है।
नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने नई पहल करते हुए मकर संक्रांति के अवसर पर पर्यावरण मित्रों के साथ खिचड़ी बनवाकर सहभोज कार्यक्रम किया। पर्यावरण मित्रों के साथ सहभोज कार्यक्रम करके पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने संदेश दिया है कि पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी, वार्ड मेंबर और चेयरमैन सभी समरूपता आनी चाहिए, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि छोटा या बड़ा नहीं है कोई, सभी एक समान है और सभी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के साथ साथ आपस में ही भाईचारा बनाकर नगर के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर सभी पर्यावरण मित्र पालिका परिसर में इकट्ठे हुए और पर्यावरण मित्रों द्वारा खिचड़ी बनाई गई और पालिका परिषद के दीनदयाल पार्क में सभी पर्यावरण मित्र पालिका के कर्मचारी, वार्ड मेंबर और पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर दरी बिछाकर एक साथ भोजन किया है। पर्यावरण मित्रों ने इस कार्यक्रम का स्वागत किया और कहा कि इस प्रकार का सम्मान पहले भी किसी पालिका अध्यक्ष ने हमें नहीं दिया। पर्यावरण मित्रों ने यह भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम से पर्यावरण मित्रों का उत्साह बढ़ता है। आप ये देखिए, हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं, नगर पालिका के कर्मी हैं, वार्ड मेंबर हैं, हम यहाँ के पालिका अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने आज ये सहभोज कार्यक्रम करके ये संदेश दिया है कि हमारे यहाँ सभी की सहभागिता एक जैसी है। यहाँ पर कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सभी लोग समरूपता के रूप से यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर बैठकर एक साथ खिचड़ी खाने का हमारा संदेश है कि सब लोग मिलजुल कर नगर के विकास के लिए कार्य करेंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में ही पुलिस ने 22 साल के युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों हत्या आरोपी मृतक के दोस्त थे। शुक्रवार रात को सलेमपुर क्षेत्र के ही एक मकान में पुलिस ने 22 साल के कार्तिक का शव बरामद किया है और परिजनों द्वारा बहादराबाद थाने में ही अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की है और शहादत और नीपेंद्र ने सच्चाई उगल दी और कार्तिक का गला दबाकर हत्या करने के बाद उसका शव बोरे में बंद कर रखने की बात को कबूल किया है और दोनों युवकों ने मृतक कार्तिक के माता पिता को फोन कर 70 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी और इसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मृतक 22 साल का युवक कार्तिक अपने माता पिता का एक ही इकलौता पुत्र था जो पैथोलॉजी लैब चलाता था और पकड़े गए दोनों हत्या आरोपी बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो चूंकि बड़ा सनसनी के तो दुखद भी है, साथ के लोगों ने इसकी हत्या कर दी और इस सरोजे था इनको पहले से कुछ जगह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है, उसमें कुछ शराब की शॉप पर बोतल लेने का था और एक जगह बिरयानी शॉप का कहीं कॉल हमारे साथ ही घूम रहा है तो छोड़ा काम तुमने। जब सारी चीजें हमारी इंट्रोगेशन हुई गहराई से हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रांसपोर्टरों को लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में हरिद्वार के सिडकुल हाईवे पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर ARTO रश्मि पंत ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है सड़क पर वाहन चलाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए और जिसमें ट्रैफिक के नियमों का पालन हो, शराब पीकर गाड़ी ना चलाई जाए और इसके साथ ही इसी को लेकर जागरूक सप्ताह मनाया जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, बड़ी संख्या में लोग यहां आए और ये सिर्फ एक सप्ताह का कार्यक्रम है मगर लोगों को 365 दिन ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए जिससे अपना जीवन भी सुरक्षित हो और सड़क पर चलने वालों का भी हमारे द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जाता है। जो हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, आप लोगों को जानकारी होगी 11 से 17 जनवरी तक भारत सरकार द्वारा ये घोषित किया गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह पूरे राष्ट्र में मनाया जाएगा। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज जो हरिद्वार के विभिन्न ट्रक ओनर्स हैं, ट्रक यूनियन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं जो बड़ी गाड़ियां होती हैं ये सड़क पर सबसे बड़ा इनका स्टेक है और इनकी इनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सड़क पर। तो हमारा एक प्रयास है कि हम इनको और इनके चालकों को सेंसिटाइज कर सकें रोड सेफ्टी के प्रति, उसी के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। सर, ये हर साल जनवरी दिसंबर मंथ में 11 से साप्ताहिक प्रोग्राम चलता है सुरक्षा अभियान का, जिसमें ट्रांसपोर्टरों की तरफ से हर साल ये प्रोग्राम किया जाता है। आज भी इसी तरह का ये प्रोग्राम चल रहा है
लोगों को सुरक्षा के बारे में बताया जाता है, उनको समझाया जाता है कि हेलमेट लगा के बाइक चलाएं, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएं। देश के कई राज्यों में धोखाधड़ी से लाखों रुपए की रकम ठगने वाले अंतर्राज्य गिरोह के 6 सदस्यों को रानी पोखरी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक कार, 12 मोबाइल, इंटरनेट की डोंगल और इसके साथ ही आधा दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड और अलग अलग कंपनियों के मोबाइल सिम बरामद किए हैं। आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही रानी पोखरी में मौजूद एक CSC सेंटर संचालक के बैंक खाते को ठगी की रकम मांगने के लिए इस्तेमाल किया था और इसके बाद ही मामला पुलिस के पास पहुंचा और मामले का खुलासा जनपद देहरादून के SSP दिलीप सिंह कुंवर ने रानी पोखरी थाना परिसर में किया है। उन्होंने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ हरियाणा, गुजरात और UP झारखंड के थानों में इसी प्रकार की वारदात के कई मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया और आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को SSP ने 10,000 का इनाम दिया है। पुलिस को ऐसा नहीं लगता है कि जितने भी CSA सेंटर राजधानी देहरादून या आसपास के क्षेत्रों में चल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या वो प्रॉपर मानकों के तहत काम कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा मामला फिर आ जाए अगर जांच ना हो तो। नहीं बिल्कुल, आप जिस बिंदु पर बता रहे हैं उसमें हमारी SOG STF के साथ साथ सभी थाना प्रभारी सचेत हैं और जितने भी CSA सेंटर्स हैं उनके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि वहाँ से कोई फर्जीवाड़ा ना हो। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला पंचायत द्वारा आयोजित पौराणिक माघ मेला का उद्घाटन क्षेत्र के आराध्य देव, कंडाल देवता और हरि महाराज के ढोल और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने रिबन काट कर किया है। बता दें, इस अवसर पर कलाकारों के द्वारा माघ मेला मंच पर सुंदर संस्कृत प्रस्तुति भी की गई है। बताते चले कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण ऐतिहासिक पौराणिक माघ मेला का आयोजन नहीं हुआ था और इस साल जिला पंचायत उत्तरकाशी के द्वारा भव्य पौराणिक मेले को भव्य रूप दिया गया है और ये माघ मेला 14 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवाड़ा ने कहा है कि इस बार माघ मेले को स्वास्थ्य और स्वरोजगार से जोड़ा गया है। 2 साल बाद हो रहा है और आज बहुत सुखद पल है कि हम इस माघ मेले का पौराणिक, आध्यात्मिक और दैविक रूप साथ साथ एक नवीनतम माघ मेले की ओर बढ़ेगा, क्योंकि इस बार हम लोगों ने इस मेले में स्वास्थ्य मेले के रूप में भी रखा है और स्वरोजगार मेले के रूप में भी इसको रखा है और सांस्कृतिक जो हमारे धरोहर है उसको भी संजोने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में माघ मेले का एक दिव्य भव्य और जो प्राकृतिक प्राचीन रूप है वो इस मेले के मंच के माध्यम से जनता जनार्दन को देखने को मिलेगा। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।